हाँ तो वैसे आप लोग इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीका से एंटर पेज से निकल के आ जाएगा। तो वैसे आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर डाल देना, लॉगिन पासवर्ड डाल देना, सिक्योरिटी पासवर्ड डाल के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो। एंड वैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब वैसे आपके सामने कुछ इस तरीका से एंटर पेज से निकल के आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर क्या करना है लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीका से एंटर पेज से निकल के आ जाएगा। तो वैसे आप लोग क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीका से एंटर पेज से निकल के आएगा, माइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो होम पेज पर आएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ रिचार्ज किस तरीका से करना है। रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इनका आप लोग कॉपी एड्रेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो कॉपी एड्रेस कर लेना है। ठीक है, करने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पर चले आना है अपने एप्लीकेशन के अंदर जिससे आप लोग पेमेंट करना चाहते हो। ठीक है, सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपना TRS डाल देना है। ठीक है, फिर सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्लस यहाँ पर आप लोग इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मेरा यहाँ पर TRS है वो यहाँ से पेड होने वाला है, मतलब कि यहाँ से मैं जो TRS पेड कर रहा हूँ वो पेड हो चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, रिचार्ज कंप्लीट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ से थोड़ा बैक हो जाना है और बैक हो जाना है। अब आप लोग मैं रिसीव करके दिखाता हूँ। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो TRS रिपोर्ट किया था वो फाइनली यहाँ पर रिसीव हो चुका है। तो वैसे आप लोग क्या करना है, होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर एक टीम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना, जो कि आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम देख सकते हो, TRS रिचार्ज देख सकते हो, USDT रिचार्ज देख सकते हो, सेकंड लेवल देख सकते हो, और यहाँ पर ये थर्ड भी देख सकते हो। ये सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो। कॉर्पोरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग इनका जो भी इनके जो भी मतलब पार्टनर हैं वो भी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बैक चलना है, मतलब पॉइंट मॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगर इसे आप लोग एक्सचेंज करना चाहते हो तो वो ईजिली तरीका से कर सकते हो यहाँ पर एक्सचेंज अमाउंट डाल के। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बैक चलना है, यहाँ पर लकी ड्रॉ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग लकी कर सकते हो, यहाँ पर लकी करके। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको लिए एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर एक लेवल 12% 100 TRS 12 TRS यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 3 लेवल पर कितना TRS है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको लिए एक अबाउट अस का ऑप्शन मिलेगा, जो कि अबाउट अस इनका जो चेक कर सकते हो आप लोग। हाँ तो वैसे अब आप लोग मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आप लोग किस तरीके से डिपॉजिट करना है। यहाँ पर मतलब कि इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं TRS डेली रिटर्न 9.9% इसका 1 डेज के लिए है, यहाँ पर 7 डेज के लिए भी और 5 डेज के लिए भी है। ठीक है, तो आप लोग जिस पर करना चाहते हो कर सकते हो, इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक लेना है। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग जो सिक्योरिटी पासवर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग अपना पासवर्ड डाल देना है। एंड डालने के बाद ये आप लोग कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्वेस्ट सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लेना है। प्लस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से एंटर पेज से निकल के आ जाएगा, इन प्रोसेस में लग चुका है। ठीक है, तो ये आप लोग ऑर्डर आईडी मिल जाएगी, यहाँ पर TRS मिल जाएगा, अमाउंट TRS मिल जाएगा, डेली रिटर्न 9.9% मिल जाएगा, इसका 1 डेज के लिए मिल जाएगा, सारा कुछ आप लोग यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन भी देख सकते हैं इन प्रोसेस में क्या है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पर 6% गोल्ड मीनिंग इज वर्किंग आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्लस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से एंटर पेज से निकल के आ जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो ईजिली तरीका से। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, जो कि आप कॉपी लिंक करके काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेवल वगैरह देख सकते हो, कितना कितना लेवल पर कितना अमाउंट है। ठीक है, माइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर रिचार्ज हो गया, पॉइंट डिटेल्स हो गया और फंड डिटेल्स हो गया, काफ़ी बुलेट का हो गया, ये सारा कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं विड्रो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर आप लोग होम पेज पर आ जाना है। विड्रो वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर ले, आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट डाल देना है, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मतलब जितना मैं TRS यहाँ पर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपना सिक्योरिटी कोड डाल देना है, तो मैं यहाँ पर अपना सिक्योरिटी कोड डाल देता हूँ। ठीक है, और डालने के बाद गैस यहाँ पर आप लोग अपना जो एड्रेस है वो डाल देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, एंड गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब योर विड्रॉल प्लीज़ वेट, यहाँ पर आप लोग मिल जाएगा। ठीक है, ओके कर देना है, आपका जितना भी विड्रॉल है वो यहाँ से हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आप लोग अगर ऊपर की बात करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे को पेमेंट रिसीव हो चुका है। ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन पेमेंट भी देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पेमेंट ना दे। तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।